बच्चे को भी ये चीज आनी चाहिए कि पेरेंट्स को किस तरह पेरेंट्स का तो जो काम है ना तो तरबियत करना इम्पोज करना नहीं है कहते क्या करना है पीछे को वहाँ के बच्चे किस तरह मेंटली ट्रेन होते हैं और यहाँ के बच्चे पहले जो सात साल होते हैं बच्चों के वो उनकी लेटर ऑन उन लाइफ में इंतहा इंपेक्टफुल होते हैं करियर काउंसलर्स यहाँ पे मौजूद है और वो आपको अपनी तरफ से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से साँ� आपको बता रहे थे वैसे नर्सरी में भी पेपर होते हैं नहीं जी नर्सरी में कोई एग्जाम पूरा ऐसी तैयारी होती है जैसे सी के पेपर उनके असला खार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज्म नाजरीन हमने माशरे में देखा है जो पेरेंटिंग के हवाले से हमारे पेरेंट्स गलतियां करते हैं जो इम्पोज़ करते हैं किसी फील्ड को किसी बच्चे पर और वही जो फील्ड है वो उसके गले का फंदा बन जाती है टाइम पे आके उसी के साथ साथ आज एक और बहुत अहम मौजूद है हमारा वो ये है कि पेरेंटिंग किस तरह होनी चाहिए क्या सारे ही वालदेन जो हैं वो ठीक हैं और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारे जो यंगस्टर्स हैं आजकल जो फॉरेन कंट्रीज़ जा रहे हैं दूसरे मुमालिक जा रहे हैं उनका तरीका ठीक है वहाँ जा के जो वो गलतियाँ कर रहे हैं जॉब के हवाले से हो पी आर के हवाले से हो और इवन के करियर काउंसलिंग के हवाले से हो क्या वो सब ठीक है तो इसके लिए आज हमने इनवाइट किया है जैन अब्बास साहब के जो एक इंटरप्रनोर हैं उसी के साथ साथ यूके में तीन नर्सरी के और एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं इनकी वो आज हम इन्हीं से सुनेंगे तो बगैर किसी टाइम को ज़्याक किए मिलते हैं ज़ैन आबाद साहब से असला जैन आबाद साहब कैसे हैं आप शुक्र अल्लाह का आप खरीद से शुक्र अल्लाह का सर वेलकम टू अली शाह फाउंडेशन बहुत शुक्रिया सर पहले तो मैं इस बात पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो इंटरप्रनोरशिप की तरफ आए एक पाकिस्तान से जाके यूके में तीन नर्सरीज़ और उसके साथ साथ एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया ये स्टोरी आप मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं अपनी जर्नी के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं बहुत शुक्रिया जी आपकी दावत का और यूके में मैंने जिंदगी का आगाज आज से तकरीबन पंद्रह साल पहले किया एज़ ए स्टूडेंट बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान से या दुनिया भर से यूके में एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये ख्वाहिश है कि मैंने काम नहीं करना किसी के पास मैंने अपना कारोबार करना तो वसाइल की कमी भी थी मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं थे कि मैं अपना कारोबार कर सकूं लेकिन एक विजन था अल्लाह ताला ने मुझे एक उस्ताद भी दिए एक मैंटोर दिए जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया वहाँ पे इनिशियली मैंने एक ट्यूशन सेंटर से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मैं अर्ली ईयर्स प्री स्कूल डे नर्सरीज इस टाइप पर आ गया और अलहमदिल्ला के अल्लाह ताला ने बहुत ही फजल किया अभी मेरे पास चार नर्सरियाँ हैं रेस्टोरेंट है और ये मैंने तकरीबन कम्प्लीटली ज़ीरो फाइनेंशियल बैकिंग से किया मैंने अलहमद ला माँ बाप की बहुत बड़ी सपोर्ट थी दुआएँ भी थी बहुत अच्छे दोस्त मिले बहुत अच्छे उस्ताद मिले तो उनकी तमाम कोलेबरेटिव मेहनत से अल्लाह ताला ने रंगल का अलमदुल्लह मैं ज़ैन भैया आपसे स्टेप पूछना चाहूँगा कि क्या क्या स्टेप आपने जो है ना कवर किए और उसके बाद जो कोचिंग और जो मैंटोरशिप है आपने कहा उस्तादों की बहुत सपोर्ट रही है आपको ये कितनी इंपॉर्टेंट थी देखिए जी स्ट्रगल जो है ना वही ज़िंदगी है मेहनत या मुश्किल जो है वो मुश्किल नहीं है वो मुश्किल ही रास्ता है तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ऐसा रखा है कि जो जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह ताला आपको आगे किसी ना किसी बुलंद मुकाम या मर्तबा देने के लिए आपके रस्ते में डालता है जब मैं एक मैंने जब आगाज़ किया तो मैं कॉलेज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता था और इसके साथ साथ मैं फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में काम भी करता था तो वहाँ पे कॉलेज में जो पाकिस्तानी ऑनरशिप में था कॉलेज और वहाँ पर जो लोग मुकिन थे जो जो और अच्छे उहदों पर थे वो सिर्फ इसलिए अच्छे उहदों पर थे क्योंकि वो प्रिंसिपल के बच्चे थे अच्छा। तो मैं अल्लाह तला से हमेशा सवाल करता था कि अल्लाह मुझे भी तो तमाम स्किल्स दी हैं मेरे भी दो हाथ हैं अल्लाह ताला ने मुझे भी स्किल्स दिए हैं अच्छा दिमाग दिया है हुनर दिया है तो मेरे में पर उसके बाद अल्ला ताला ने मुझे भी वो दिया अल्लाह ने आगे आसानी दी कि मैंने फिर अपना कारोबार स्टार्ट किया और उसे कहीं बेहतर किया इनिशियली मैंने कुछ लोगों के साथ काम भी किया चीफ जॉब्स भी की रेस्टोरेंट में भी काम किया उसके अलावा मैंने एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपने मेरे मेंटर है डॉक्टर आरिफ साहब उन उनके साथ जब फॉर्मल मेंटरशिप स्टार्ट हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी तुम इस कॉलेज या इस जॉब को छोड़ दो क्योंकि जो फाइनेंशियल यहाँ से वो रिटर्न है दैट इज़ नॉट बट समथिंग वोट यू डिज़र्व तो फिर वहाँ से मैंने काम उनके कहने पे छोड़ दिया उन्होंने मुझे फिर ट्रेनिंग दी कोचिंग दी एंटरप्रेन्योर ऑफ़ द एंटरप्रेन्योर 2012 के नाम से एक इवेंट था mm. जिसके अंदर बिल क्लिंटन थे टोनी रॉबिन थे एंडी हरिंगटन थे इस तमाम कोचिज इनसे इनसे मैंने लाइव सेशंस अटेंड किया और इन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये मुश्किल हैं फाइनेंशियल परेशानियां हैं घर की जिम्मेदारियां हैं कॉलेज की फीस है एजुकेशन भी है वीजे के मामला हैं तो और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल यहाँ पे मुझे रिटर्न मिल रहा है जॉब से वो इतना नहीं है कि मैं अपने, सस, अपना सर्वाइवल भी कर सकूँ तो उन्होंने मुझे एक आधे घंटे की ड्राइव में एक सेशन दिया और दैट ड्राइव आई कॉल अ लाइफ चेंजिंग ड्राइव क्योंकि उसके अंदर मेरा माइंड सेट कम्प्लीटली चेंज हो गया मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना पोटेंशियल दिया है अगर सिर्फ हम अपना जहन पॉजिटिव साइडों पर लगा लें और हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर दें देर इज़ नथिंग दैट वी कॉन्ट अचीव वैसे उस ड्राइव में आपको कौन सी बातें ऐसी थी कि जो हिट कर गए लेकिन उन उस ड्राइव में उन्होंने मुझे एक किताब का हवाला दिया वो था टोनी रॉबिस की किताब थी अ नोट फ्रॉम अ फ्रेंड अंदर कुछ स्टोरीज ऐसी थी जिसके अंदर जैसे कि कर्नल सैंडर्स की स्टोरी जो के एफ सी के फाउंडर है कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल के बाद किस उम्र में, स्टार्ट, किस किया, में। 65 के बाद उन्होंने स्टार्ट किया कितनी रिजेक्शन के बाद फिर भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की ऐसे ही। इसी तरह होंडा जो कंपनी है उन्होंने किस तरह से सुशी, सुशीरियो होंडा जो है उन्होंने किस तरह कितनी मुश्किल का सामना किया वर्ल्ड वॉर के बाद लेकिन उन्होंने एक एक मुश्किल में किस तरह से अपॉर्चुनिटी तलाश की और उसमें से कामयाबी हासिल की सो तो अगर वो तमाम लोग कर सकते हैं वाई कांट है। तो वो एक सोच थी कि मैंने कहा अगर मैंने इन लोगों ने अचीव किया है एज इज जस्ट अ नंबर मैंने चाहे मैं यंग हूं अगर कोई कोई ओल्ड है सिटीजन है इफ यू डिसाइड इफ यू मेक अ डिसीजन एंड यू मेक कॉन्शियस कंसिस्टेंट एफर्ट्स यू कैन अचीव एनी थिंग सही और प्र... सबसे एक और चीज़ मैं इसके ऐड करना चाहूंगा जी कि जो नीयतें हैं ना वो आपकी बड़ी अल्लाह तला आपके लिए आसानी करता है उसकी वजह से नीयत का अच्छा होना ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है अच्छा बुरा वक्त आता रहेगा आपने अपनी जिंदगी में एक अहम विजन एक तो क्लियर रखना है और अपनी नीयत साफ रखनी है पैसा जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है वो आप कोई भी काम करेंगे अल्लाह तला ने आप नसीब का आपको दे देना लेकिन जो अहम चीज है ना कि आपकी ज़िंदगी में आप अचीव क्या करना चाहते हैं आप किसी के लिए कितनी आसानियाँ करते हैं वो आपके लिए रिटर्न क्रिएट करता है मेरे वाले साहब हमेशा कहते थे कि जो तुम्हारा रिजक है ना ये एक पानी वाले कूलर की तरह है। इसके अंदर जो पानी मौजूद है ये अल्लाह तला ने तुम्हारे नसीब में तमाम लिख दिए अब इसके नीचे दो टैप्स हैं एक हलाल है एक हराम है तुम्हारे ऊपर है तुमने हलाल खोलना है या हराम खोलना है ये तुम हलाल खोल लो वो भी रिजक तुम्हारा है हराम लो वो भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिखा था तुमने हराम तरीके से कमाया ये दोनों को कठा खोल लो नसीब जो है वो तुम्हारा वो पानी उसके अंदर मौजूद अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिख दिए तुमने सिर्फ एफर्ट करके वो टैप को खोलना है और तुम्हारा अपना किरदार है कि तुमने हलाल से लेना है हराम से लेना है एक पंजाबी का एक शेर है ना नीता दे सर सेरे पैदे नीता दे सर पैदे पा दिल दा काफिर काफिर हंदा पावे हज कर आवे लग एक और है दस्तूर निराला दुनिया दा ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਦਾ ਬੜਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੁਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਵਸਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪਚੀ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁੱਖੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਆਵਾ तो ये ज़िंदगी का निज़ाम ऐसा है कि आज जो आप नीयत है ना वो मुकाफात अमल है वो कल को वापस आना ही आना है तो अपने ज़िंदगी को पॉजिटिव रखें अपना विज़न क्लियर रखें मेरे मैंटर जो उस्ताद हैं उन्होंने मुझे कहा था कि अपना एक विजन बोर्ड बनाएं तो मैंने पहले तो विज़न बोर्ड बनाया मैंने फ़ोटोशॉप तस्वीरें तो डिफरेंट ले के मैंने लगा दिया था वट इज़ दिस उन्होंने कहा एक बोर्ड लो उसके ऊपर से कोई अखबार की कटिंग जो जो चीज़ें अपने करना चाहते हो उनको प्रिंट करके या उनको काट के विजन बोर्ड को विद डेट कि कब मैंने क्या चीज़ अचीव करनी है उसको अपने सामने लगाओ और मैंने वो लगाया और अलहमद वो इतना हेल्पफुल था अभी तक अल्लाह का बड़ा ही करम है कि मैंने जो जो कुछ अपने विजन बोर्ड में जिस टाइमलाइन के साथ अटैच किया है वो सारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं माशाल्लाह हम लोगों को जिससे सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल जो हम किताब है कहते हैं कि आप अपना एंड गोल पहले देखें कि आपने क्या करना है आप अचीव क्या करना चाहते हैं फिर उसको डीकोड करें पीछे को जब आपको पता है कि आपने अचीव क्या करना है तो फिर आपके डायरेक्शन पर प्लानिंग करना आसान हो जाएगा ये बात तो है ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि कम से कम आपको अपना गोल पता हो एग्जैक्टली exactly. और आजकल लोगों का मसला यही है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है इस हवाले से मेरा एक वैसे सवाल है आपसे कि किस तरह एक बंदे को पता लगे कि यार उसका गोल किस तरह है वो किस चीज़ के लिए बना है किस काबिल है तरीकाकार है स्पाइडर डाइग्राम आप एक स्पाइडर डाइग्राम बनाएं उसके अंदर आप जो जो चीज़ें आपकी स्किल्स हैं उसको आप पहले लिखना शुरू कर दें फिर उसको शॉर्ट डाउन उसको श्रिंक करते हैं। एंड ऑफ द डे जो जो आपका इंटरेस्ट है और जो आपकी लाइफ के साथ अलाइन करता है फैमिली के साथ आपकी वैल्यूज़ के साथ आपके मॉरल्स के साथ जो अलाइन करता है आप उसको श्रिंक करते करते आप फाइनल दो तीन चीज़ों पे आएंगे जिसको आप चूज़ कर है हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम कहते हैं या तो हम जो कुछ फैमिली कहती है वो करना है घर वाले कहते हैं कि जी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनाना है लड़का उसको लेते तो इंजीनियरिंग इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है वो इम्पोज कर देते हैं वो देखते नहीं है कि इस शख्स में इस बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं क्या इसकी स्किल्स हैं क्या इसका इंटरेस्ट है अगर उसमें इंटरेस्ट और स्किल्स जो मौजूद हैं अगर आप उसको नहीं आगे लेके जाएंगे तो वो कामयाबी की वो मंजिलें नहीं तय कर पाएगा या उसको इंजॉय नहीं कर पाएगा जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है नहीं। सिर्फ किसी दूसरे को राज़ी करना नहीं है आपने अपनी ज़िंदगी जो आप अल्लाह तला ने की है अल्लाह ताली की एक नियमत है उसमें अल्लाह ताली ने आपको दी है ये नहमत एक मकसद है उसका आपने एक एक महीने मिनट अपना किस तरह से यूटिलाइज़ करना है आपने वो गिविंग बैक टू द दम्यूनिटी और आपने ख़ुद भी खुश रहना है ये नहीं कि आपने सिर्फ इसलिए आपने ये चीज़ कर ली क्योंकि माँ बाप सिर्फ इसमें राजी होते हैं माँ बाप की रजा ज़रूरी है लेकिन इसलिए नहीं कि आप कोई डॉक्टर बन जाएगी जी मेरे माँ बाप ने डॉक्टर कहा मैं सारी जिंदगी अपनी इसी में उजाड़ दूँ मैं अच्छा ना डॉक्टर बन सकूँ ना मैं उसको इंजॉय करूँ ये भी बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है कि कम से कम पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो बच्चा किस लिए बनाए और आप बच्चे को भी ये चीज़ आनी चाहिए कि पेरेंट्स को किस तरह एग्री पेरेंट्स का जो काम है ना वो तरबियत करना है इम्पोज करना नहीं है पेरेंट्स को बच्चे की अच्छी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बहुत कामयाब इंसान है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाए देन यू फेल्ड क्योंकि आपके बाद आपके बच्चे आपकी लेगेसी हैं आपने बच्चों को बहुत बड़े एम्पायर खड़े करके नहीं देने आपने बच्चों को बहुत बड़ा कोई प्लाजा और बिल्डिंग्स और बिजनेसेस या सारी चीज़ें नहीं देनी आपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है वो बच्चे इस काबिल करने हैं कि वो तमाम अंपायर अपना खुद ही खड़ा कर सकें हमारे प्रॉब्लम भी होती है हम बच्चों को इतनी खुली लग्जरीज दे देते हैं हमारी सारी ज़िंदगी उनके लिए चीज़ें तैयार करने में रख देती है हम कहते हैं जी इनके लिए आसानी हो जाए लेकिन हम तरबियत में वो वक्त नहीं दे पाते हमारे पास वक्त की कमी होती है क्योंकि हम भागदौड़ में लगे रहते हैं हम कहते हैं जी हमने इनके लिए तो कर रहे हैं लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका वक्त है ये वाकई में बहुत बड़ा मसला है इस चीज़ का इसी के साथ मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा आपने यूके में पंद्रह साल गुजारे हैं आपकी जर्नी रही है आपको क्या इशू लगा है वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में जो तरबियत के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ के बच्चे किस तरह मेंटली ट्रेन होते हैं और यहाँ के बच्चे किस तरह मेंटली ट्रेन हो रहे हैं उस हवाले से मुझे बताएं देखिए मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो अर्ली ईर्यस एजुकेशन से है क्योंकि मेरी नर्सरीज है मेरी बी चाइल्ड केयर के नाम से और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस एजुकेशन सेक्टर में तकरीबन पिछले 12 साल हो गए तो हम लोग बच्चों को जो पेरेंटिंग स्किल्स भी सिखाते हैं पेरेंट्स को इसके साथ साथ बच्चों को जो सिखाते हैं इतनी यंग एज से कि ज़ीरो टू फाइव ईयर्स हम केयर एलिमेंट जो उनका अर्ली एज प्री स्कूल जो एजुकेशन है उसमें दो साल का बच्चा तीन साल का बच्चा इतनी कम उम्र में उनको इंडिपेंडेंस सिखाई जाती है उनको चॉइसेस दी जाती हैं उनको उनको अपनी स्किल्स या अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखाई जाती है इतनी कम उम्र में रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि पहले जो सात साल होते हैं बच्चों के वो उनकी लेटर ऑन उन लाइफ में इंतहाई इम्पैक्टफुल होते हैं अगर नहीं। नहीं। उनके पहले सात साल अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करते हैं क्योंकि माइंड जो है ना वो एक ब्लैंक कंप्यूटर है उन बच्चों का वो सारा कुछ अनकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता जा रहा है अब पेरेंट्स क्या करते हैं हम बहुत कॉमन है कि हम बच्चों के सामने छोटे छोटे झूठ बोलते जाते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है कि बच्चे को माइंड वो रिकॉर्ड करता जा रहा है कि इतना झूठ नॉर्मल है तो हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो झूठ ना बोले अगर हम उनके सामने झूठ बोल रहे हैं दैट इज इम्पॉसिबल ऐसे बच्चे भी कल को वैसा ही झूठ बोलेंगे कल वैसा ही धोखा देंगे छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बड़ी वैल्यू करती हैं आप घर में हम आते हैं मेरे घर का एक माहौल है फॉर एग्जाम्पल हमने जो रूल्स अपने लिए रखे हैं वही सेम एक्जैक्ट बच्चों के लिए ये नहीं कि बच्चे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डाइनिंग आग टेबल पर खाते हैं तो हमारे घर में रूल है कि हमने सब ने डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाना है तो वो सब ने ही डाइनिंग टेबल पर खाना है इस, इस ये नहीं कि मैं सोफे पर बैठा हूँ या ज़मीन पर बैठा हूँ या बेडरूम में बैठा हूँ तो बच्चे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि बच्चे जाके डाइनिंग टेबल पर बैठे कि मेरा दो साल का बेटा है वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएगा और इतना छोटा बच्चा कि हम हमारी एक यहाँ पर रूटीन ही होती है कि बच्चों को पाँच छः सात साल दस साल के बच्चे इवन के मैं कुछ लोग जानता को जानता हूँ ग्यारह बारह साल के बच्चों को माए बुरकियां बना बना के दे रही थी फिर रही थी मेरा दो साल का बेटा अगर मैं उसको खाना खिलाऊंगा मेरे से नो तो बाबा मैं उसका नाम है मेहदी तो उसके मेहदी पापा मेहती ईट मेदी ईट माई स्पून अच्छा <laughs> वो खुद ही खाएगा दो साल का बच्चा अपना स्पून लेके अपने बाउल में से खुद ही खाएगा हम नॉर्मली दो साल का बच्चा स्पून कर, करने के काबिल नहीं होता ऐसे ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं नर्सरीज में सिखाई जाती हैं ये पेरेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है माँ पहली दर्शक है कहते हैं ना कि अगर इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन बट इफ़ यू एजुकेट अ एमेन यू एजुकेट अ नेशन खाती को एजुकेशन तालीम तरबियत देने का मकसद ये है कि आप उस तमाम कौम को तालीम दें वो माएँ व दरसगाह कि वो बच्चों को इस काबिल करें कि बच्चे कल को वो लीडर्स भी बन सकें उनमें अंदर उनके अंदर वो इंटेग्रिटी वो ऑनस्टी वो ईमानदारी मौजूद हो और उनका विजन हो कि हमने ज़िंदगी में अल्लाह ताली की जो नहमत है उसको हमने किस तरह से यूटिलइज़ करना है एक एक मिनट कीमती है वक्त गुजरता जाएगा लेकिन हमने जो इस दुनिया में हाजिर हुए हैं अल्लाह ताला ने जो हमें दिए हमने कोई लेगेसी कोई कोई चीज़ छोड़ के जानी है अपने पीछे हमें तो मैं आप दस साल सा, पाँच साल सात साल की बात कर रहे हैं हमें तो ये है कि इवन के यूनिवर्सिटीज़ तक हमें दबाया यही जाता है कि आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है स्कूल में देख लें टीचर्स के अगर सवाल करें तो वो रोक देती हैं घर में कोई सवाल करे तो रोक देती हैं इस तरह बच्चे किस तरह ग्रो करते हैं लेकिन हम लोग फॉर एग्जाम्पल बच्चों को जब ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं तो स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर एक बच्चा बात कर रहा है तो आपने सारी एक्टिविटी छोड़ के उस बच्चे की पूरी बात गौर से सुननी है उसको रिस्पॉन्ड करना है फिर आपने अगले की एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है अगर कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ में ये बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर एक बच्चा बात कर करे और दूसरे बच्चे ने बीच में इंटरप्ट कर दिया तो आपने उस बच्चे को पहले रोक के उसकी बात सुनी है फिर दूसरे बच्चे की बात सुनी है अच्छा और फिर तमाम चीज़ें जो लर्निंग थ्रू प्ले है हम लोग स्कूल इतना सख्त इन्वायरमेंट कर देते हैं कि बच्चे समझते हैं कि स्कूल जाना एक सज़ा है हमारे या अगर आप यूके में देखें तो बच्चे स्कूल जाके एंजॉय करते हैं मेरे पास नर्सरी में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि बच्चे घर नहीं जा रहे होते वो कहते हैं जी हमने यहीं रहना है क्योंकि अच्छा। आप बच्चों के लिए वो इतना इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप कर देते हैं कि बच्चों बच्चे वहां पे आना इन्जॉय करते हैं वो मेरे बच्चे सैटरडे संडे को भी जब नर्सरीज बंद होती है स्कूल्स बंद होते हैं वो सुबह उठ के रेडी होते हैं आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल वो इन्जॉय करते हैं वो इन्वॉर्मेंट उनका इतना देता है लर्निंग थ्रू प्ले होता है अब यहाँ तो टीचर से खौफ ज्यादा होते हैं बच्चे के नहीं टीचर मारेंगी मैंने नहीं जाना मारने वाला तो हम सोच भी नहीं ना सकते वहाँ बिल्कुल किसी तरह सोच भी नहीं सकते आप बच्चे को डांट भी लें या मारें अगर वो आपने बच्चों को डिसिप्लिन भी करना है बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स के होते हैं और दे वेरी हेल्पफुल टेक्निक्स छोटी छोटी सी चीज़ें हमने क्या है कि जी एक बोर्ड बनाया हुआ है एक है क्लाउड और एक है स्माइली फेस वो सन तो जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसको उसका फोटो बनाई हुई है प्रिंट करके लगाई हुई है जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसको वहाँ पे वो स्माइली फेस पे लगा दिया जाएगा उसकी फोटो और जो बच्चा तंग करेगा उसको रिलीव योर फोटो ऑन द क्लाउड बच्चे को फिक्र होगी कि मेरी फोटो क्लाउड से वहाँ पे मैंने स्माइली फेस पे मूव करनी है इसकी वजह से सिर्फ बच्चा अच्छे तरीके से बिहेव करेगा ना आपको मारने की जरूरत पड़ेगी ना बच्चे के साथ सख्ती करने की जरूरत पड़ेगी ना आपको उसको को इवन टाइम आउट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अक्सर लोग अब क्या कहते हैं जी टाइम आउट करते हैं पाँच दस मिनट पंद्रह मिनट साइड पे बिठाते हैं कि बच्चों को एक्टिविटी ना करने दी जाए इन तमाम चीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये तमाम चीज़ें बहुत यंग एज से आपको करनी पड़ेगी हम क्या करते हैं कि हम सारी जिंदगी बच्चे को डांट डपट के चीख के चिल्ला के बच्चे से या मार पीट के उसके साथ उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं डंडे की जोर फिर डंडे के ज़ोर में फिर हम कहते हैं कि जी सडनली बच्चा आप मैं इसको कहता हूँ जी डिसिप्लिन प्यार मोहब्बत से बात करें बच्चा मेरी वो बात सुने कैसे हो सकता है कि बच्चा वो बात सुनेगा ऊपर से वो कहते हैं कि अगर मैं इस पर डांट डबट ना करूँ या सख्तियाँ ना करूँ तो शायद ये वो फिर माशरे से लड़ने के काबिल नहीं बनेगा अपने माशरे से लड़ाना ही क्यों है? हाँ वो इस तरह की बात करते हैं कि मिसाल ये आगे से कोई माशरे में स्टैंड नहीं कर पाएगा किसी चीज़ में शायद हमारा माशरे ही इतना सख्त है तो ऑलरेडी तैयार कर रही होती है मेरे ख्याल से वो नगेटिव ही इफेक्ट कर रहा होता है बिल्कुल नेगेटिव इम्पेक्ट करता है हमने बच्चों को ही सिखाना है कि हमने माशरे में लोगों से लड़ना नहीं है हमने इस काबिल होना है कि हमने दूसरों को भी दिखाना है कि अच्छा मुसलमान अच्छा इंसान अच्छी अच्छे नेशन से जो तल्लु रखते वाला शख्स कैसा होता है हम जब पाकिस्तान से बाहर खासकर निकलते हैं तो हम एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट करें हम ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करें भी भी। हमारा एक एक एक्शन हमारे एक एक ताल्लुक़ जो है लोगों के साथ डीलिंग एक बहुत ही सैड रियलिटी है कि अभी आप जब दूसरे ममालिक में जाते हैं चाहे जा यूके है अमेरिका है कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि जो गोरा है वो आपके साथ डीलिंग फेयर करेगा तो पाकिस्तानी आपको सौ सो दफा सोचना पड़ेगा यार धोखा तो नहीं देगा हालांकि असूलन होना उल्ट चाहिए कि पाकिस्तानी जो है या जो मुसलमान है उस पर यकीन होना चाहिए कि मुझे धोखा नहीं देगा अभी तो, तो, ये तो ये भी कॉन्सेप्ट बन गया धोखे धोखा तो है ही है एक ये कॉन्सेप्ट बन गया कि पाकिस्तानी अगर बाहर जाएंगे तो भीख मांगेंगे जो जितने भी भिखारी हैं मस्जिदों के बाहर हैं या कहीं पे भी हैं तो ये भीख मांगने टू बी ऑनेस्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है लोग हैं ऐसे लोग भी मौजूद हैं ये सऊदी अरब वाली साइड सऊदी अरब वाली साइड लेकिन यूके में मैंने ऐसे नहीं देखा यूके में इवन के मैंने ऐसा देखा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज वाले लोग हैं तो रोमेनियन हैं बुलगेरियन हैं इस तरह के लोगों को मैंने स्काफ़ पहन के देखा है कि वो मस्जिदों के बाहर भीख मांगते हैं लेकिन क्योंकि शायद यूके इसलिए बेहतर है क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे आप जो भी काम करते हैं चाहे आप टैक्सी चलाते हैं आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं आप कोई चीप जॉब कर रहे हैं कोई रेस्टोरेंट में है कहीं किसी तरह का भी अगर आप काम करते हैं तो आपको आपकी स्किल्स मेहनत का रिवॉर्ड दिया जाता है तो आपको शायद इस इस तरह के काम नहीं करने पड़ते इसलिए मैं ख़ुद अलहमदिल्ला मेरा मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं यू के किया और मैंने बहुत कुछ एक्सपोयर हासिल किया बहुत सारे लोग तो यहाँ से तालीम हासिल करने भी जाते हैं यू के ऐसे तालीम लो, अक्सर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की एजुकेशन बहुत अच्छी है उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत अच्छी तालीम देती हूँ लेकिन यू का एक फ़ायदा ये है कि जो एक्सपोइर है जो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि दुनिया भर से वहाँ पर लोग आते हैं तो आप ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से सीखते हैं बल्कि अपने कोलीग्स अपने पेयर्स अपने दोस्तों से सीखते हैं सही पाकिस्तानी स्टडीज़ में क्या मतलब कि हमारी जो तलीम में क्या कमियाँ रह गई हैं कि जो कि यू के कर रहा है हम नहीं कर पा रहे मैं समझता एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है ना जो यू के की तलीम है वो वहाँ पर वर्क प्लेसमेंट्स होती हैं उसके अंदर आपका तमाम जो नॉलेज आप सीखते हैं आप साथ, -साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा क्या है कि हम एक बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप सिर्फ बच्चों को रटा लगा के एग्ज़ाम एग्जाम एग्जाम्स हम कहते हैं जी एग्ज़ाम में हमने एक दूसरे के साथ बस कंपटीशन में रहते हैं आज तक वो चीज़ हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं देखी कि कहीं पे यूज़ हो रही है अब अजबरा देख लें कितना हम अजब्रा पाकिस्तान में हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं मैथ्स में बच्चों को कितना कितनाजबरा पढ़ाते हैं मारे भी खाई हुई है अजब्रा पे तो हम एक्जैक्टली exactly. लेकिन क्या वजह है कि वो प्रैक्टिकली तो हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पर इंप्लीमेंट करना है ऐसे ही है हमें मेरे बहुत अच्छे उस्ताद अल्लाह ताली का मैं बहुत ही क्रम रहा कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले यहाँ पे मैं चार्ट अकाउंटेंसी कर रहा था तो मियाँ अहमद फरहान साहब थे तो उन्होंने मैं पार्टनरशिप का एक कॉन्सप्ट पढ़ाया कि पार्टनरशिप क्या होती है और उन्होंने मुझे एग्जाम्पल देकर बताया कि एक पिज्ज़ा है उसको हम पार्टनर अगर हम शेयर करते हैं तो इस तरह की उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी वो एग्ज़ाम्पल इतनी हेल्पफुल थी कि आप प्रैक्टिकली आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आपने एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है कि वो मैंने आज से जो तो पंद्रह साल पहले चीज़ उनसे सीखी मुझे अभी तक मेरे जहन में वो मौजूद है हमें टीचर्स को टीचिंग ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है यूके में नॉर्मली आप कोई भी अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं अगर आप वो चीज़ पढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ पी जी सी एक कोर्स है वो दो साल की एक ट्रेनिंग है जो टीचर्स को करनी पड़ती है टू बी अ क्वालिफाइड टीचर आपको टीचर होना आप, आपके पास एजुकेशन तो है नॉलेज तो है लेकिन वो नॉलेज किस तरह से डिलीवर करना है वो भी एक स्किल है वो स्किल्स भी सिखाना ज़रूरी है बिल्कुल जैन भईया आपने इतनी बात की है कि यू के में आप अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार भी हैं ये भी है कि सब लोग कामयाब नहीं हो पाते कुछ मिस्टेक्स के हवाले से मुझे बताएं कि जो यहाँ से लोग अब या आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वो क्या करेंगे वहाँ पे क्या करना चाहिए उनको और क्या गलतियाँ पहले दोहराई गई हैं देखिए जी मल्टीपल रीज़न हैं एक तो जो हम लोग डेस्परेट होते हैं हम चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएँ हम कोई प्लानिंग नहीं करते हमारा विजन क्लियर नहीं होता हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता कोई गोल नहीं होता ज़िंदगी में हमारा गोल सिर्फ यही होता है कि हमने लोग यहाँ से बाहर निकलना है हमारे हमें ये नहीं पता कि हमें जाके आगे करना क्या है अब तो इंटरनेट का ज़माना है हर चीज़ ऑनलाइन इजीली एक्सेसिबल है बहुत सारे लोग धोखे हो जाते हैं लोग जाते हैं वहाँ पर जाके बताएं यहाँ पर कंसल्टेंट्स जो है करियर काउंसलर्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपको अपनी तरफ से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बता रहे थे कि उनको किस में फ़ायदा है लेकिन आपके तो आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी वहाँ जाके पता नहीं कैसे आपको बस मेरिकल्स हो जाएंगे और आप ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी तो इस तरह से आपको सिखाते हैं लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो लोगों को एक्चुअल रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मुश्किल हैं अब पाकिस्तान की जिंदगी जो है मैं समझता एक बहुत लग्जरी जिंदगी है जिनके पास यहाँ पे वसायल हैं वो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारती है लेकिन यूके में जो जिंदगी है मेहनत वाली जिंदगी है स्ट्रगल वाली जिंदगी है उसकी खूबसूरती ये है कि उस स्ट्रगल में मजा ये है कि आपको रिवॉर्ड नजर आता है उस, उस स्ट्रगल को उस मेहनत को आप इंजॉय करते हैं आपको प्रैक्टिकली चीजें होती, आप, होती है आपको आपको एक खुशी होती है कि जो आपने काम किया है इसका आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड है तो आपको फल मिला है बिल्कुल और प्लस उस पे ग्रोथ के चांसेस भी हैं तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग भी यहाँ से निकलना चाहते हैं अपनी रिसर्च जरूर करें अपनी प्लानिंग ज़रूर करें यहाँ से जाके क्या करना क्या आगे अगर स्टूडेंट पे स्टूडेंट जा रहे हैं तो फिर मेन फोकस स्टडीज़ ही हो हम लोग जाते स्टूडेंट हैं लेकिन हमारी इंटेंशन ये होती है हमें जाके काम करना है या अगर जो लोग वर्क परमिट्स पे जाते हैं वो अपनी पूरी रिसर्च करके जाएं कि क्या ये कंपनी जेन है क्या जो सैलरी मुझे दे रहे हैं क्या मैं इस फैमिली इस सैलरी में फैमिली के साथ गुजारा कर सकूँगा किन एरियाज़ में मैंने रहना है मेरी फैमिली आगे क्या करेगी लोग कहते हैं कि वहाँ पर मैनेजेरियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्रिएटिविटी के हवाले से अगर कोई क्रिएटिव जो फील्ड अगर आप चूज़ करते हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम होती हैं क्या है इसमें कोई रियलिटी है आई विल कंप्लीटली डिसग्री मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हर तरह की स्पेशली क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है आप कोई भी काम अगर आप अगर क्रिएटिव हैं आप आपके अंदर क्रिएटिविटी है आप कोई चीज़ कर सकते हैं इस तरह की तो आपकी डिमांड और वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आप कोई भी चीज़ जो ऐसी क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप कोई अच्छी पेंटिंग्स करते हैं आप सिर्फ घर बैठ के वो पेंटिंग करें और आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उसके अंदर आपको बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकता है जो स्पेशल अगर आप पाउंड से रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं फिर तो इवन मच बेटर लेकिन आप कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर मौजूद है फॉर एग्ज़ाम्पल हम नर्सरी जो है स्टाफ वो ढूंढते हैं जो थोड़े से क्रिएटिव हों जो बच्चों के साथ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकें जो बच्चों की क्रियोसिटी को क्रिएटिविटी को उजागर कर सकें तो बच बच्चे, बच्चे भी ज़्यादा क्रिएटिविटी से ही सीखते हैं और बहुत सारे इन्वेंशंस भी क्रिएटिविटी की वजह से या करियॉसिटी से होती हैं तो हम स्पेशली वो लोग ढूंढते हैं जो क्रिएटिव हो तो वहाँ पर मैं समझता हूँ जो लोग क्रिएटिव हैं छोटा आर्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हैं कुछ बना सकते हैं उनके लिए तो बेानतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वैसे जैन भाई वहाँ पे नर्सरी में भी पेपर्स होते हैं नहीं जी नर्सरी में कोई एग्जाम्स नहीं होते यहाँ पे तो पूरा ऐसे तैयारी होती है जैसे सी के पेपर हो उनके नहीं नहीं जी नर्सरी प्री स्कूल इवन अर्ली एज में भी बच्चों के कोई एग्जाम्स ऐसे नहीं होते वहाँ पे की स्टेज वन होती है जो एक से तीन साल पे की स्टेज टू की स्टेज थ्री फिर जी सी ए एग लेवल्स एग्ज़ाम्स होते हैं आगे जाके लेकिन और एग्ज़ाम्स बहुत टफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं लेकिन उससे पहले बच्चों को बहुत अच्छा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों के अंदर वो एजुकेशन का इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है बच्चे ईयर वन ईयर टू में भी वह लर्निंग थ्रू प्ले होता है मोस्टली बच्चे इन्जॉय करते हैं लिटरली मेरी बेटी अभी रिसेंटली उसने रिसेप्शन में ईयर वन में भी ज्वाइन किया और वो इतना खुश होती है स्कूल जाएगा सकीना उसका नाम है वो इतना खुश होती है वो अपने एक एक रोज़ आके चीज़ें मुझे दिखाएगी पापा आई प्ले दिस आई डिड फोनिक्स टुडे आई डिड दिस टुडे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बच्चे वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होता है हमारे बच्चे सुबह सुबह उठते हैं रोज रोज में स्कूल जाना सही सही जैन भाई आप को ला जो है ना बेशुमार अवार्ड्स मिल चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में थोड़ा जिक्र करें मेरी मेनली जो अचीवमेंट्स है वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हैं क्योंकि मैंने जो बिजनेस का आगाज़ किया वो कम्पलीटली विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकिंग की और अलहमद मल्टीपल बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए रेस्टोरेंट भी हमारा वहाँ पर मौजूद है तर्किश रेस्टोरेंट है मिड पॉइंट के नाम से गणेश एक एरिया है और फाइन डाइनिंग है बड़ा बड़ा बेहतरीन रेस्टोरेंट है जो लोग जिनके इतफाक़ होता है अगर यू आने का तो लव टू होस्ता है और इसके साथ साथ जो नर्सरीज का एजुकेशन का सेक्टर है मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि जब आप खासकर यूके में मौजूद हैं हमारा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि हमने हर चीज़ में हलाल आराम देखना है हम कोई ग्रोसरी करने जा रहे हैं ये हलाल है या आराम है इवन के छोटे चोट छोटे बच्चे जो हैं वो जब जब चॉकलेट देखेंगे वो मुझसे पूछेंगे बाबा इज़ इट हलाल इज <laughs> उनको उनको पता है कि इफ़ इज़ नॉट इसके अंदर कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट है बात उसके बाद तो जेलिटीन होती है बात उसके बाद अल्कोहल होती है तो कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट है उनका जितना मर्जी दिल चाह रहा हो कि ये खानी है अगर वो उसको कह दिए कि इज़ नॉट हलाल पुट इट बैक नाइन तो हमें एक एक कल्चर एक डेवलप हो जाता है तो मेरा हमेशा ख्वाहिश है हमारी ख्वाहिश थी कि मैंने हलाल की ही है तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा कर्म किया कि मैंने एजुकेशन सेक्टर में वो और वो हलाल के साथ साथ एक जाहिर है कि वो शरी तौर पे बड़ा ही बेहतर रिजक है कि आप एजुकेशन या तलीमी तरबियत दे रहे हैं तो अल्लाह ताला ने करम किया कि मैंने वो नर्सरी स्टार्ट की और एक से दो दो से तीन तीन से चार और अब इन एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और, ये, और जो जो लो जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है आपने एक सवाल अभी पहले किया था कि जो लोग यहाँ से जाते हैं तो वो किस तरह की उनको चैलेंजेस करने पड़ते हैं क्या गलती करते हैं जो लोग जिनके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो बिज़नेस की बेानतहा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं मैं नहीं किसी को रिकमेंड करता कि वो जहाँ वहाँ जा के अपनी ज़िंदगी एज़ एन एम्प्लॉयी प्लान करें क्योंकि वहाँ पे इंप्लॉयी जितनी भी है दुनिया की जो कहते हैं नबे फ़ीसद दौलत है वो सिर्फ दस फीसद लोग कंट्रोल करते हैं तो वो दस फीसद लोग जो कंट्रोल करते हैं वो कारोबार में कंट्रोल करते हैं जाहिर है तो इसलिए आपने खुद कारोबार की तरफ आना है यूके में जॉब्स में कोई फायदा नहीं है जॉब्स में आपके पास लिमिटेड अर्निंग है उसका कोई फायदा नहीं कुछ अर्सा ठीक है सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए पहले छह महीने साल एक साल दो साल ग्रो के लिए हाँ वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट सर्वाइवल टाइम पे रुक जाएगी हाँ सर्वाइवल के बाद सर्वाइवल जब आपका हो होके आप मुसलसल कोशिश करते हैं कि आप कारोबार करें और कारोबार के लिए आप पहले से प्लानिंग अगर प्लानिंग कर लें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है मैं खुद ही भी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ वहाँ पर जो लोग खास करके नर्सरी स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे पास और कुछ लोग मौजूद हैं ऐसे क्लाइंट मौजूद हैं जिनको मैं नर्सरी सेटअप करके देता हूँ तो क्योंकि ये बहुत यूनिक नीच बिजनेस है उसके रेगुलेट रिक्वर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा फिर फाइनेंशियल रिटर्न भी बहुत अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है बिल्कुल गवर्नमेंट फंडिंग होने की वजह से आपको सेफ़ एंड सिक्योर रिटर्न है तो उसकी वजह से आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म और एक्सपेंशन के चांसेस भी बेहतर है तो लोग प्लानिंग करके जाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ बिजनेस में आएँ अपॉर्चुनिटीज पर इंतहा लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करें आप चाहे ऐसा स्टूडेंट चाहते हैं आप एज़ ए वर्क परमिट पे जाते हैं या फैमिली वीज़े पे जाते हैं आप किसी स्पाउस को ज्वाइन करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च ज़रूर करें बहुत सारे ऐसी खबातें वहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पाकिस्तान से जाती हैं उनको अपने राइट्स का नहीं पता होता लोग उनको एक्सप्लॉय करते हैं अब्यूज़ करते हैं और फिर उनको वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बाद बेचारी वापस आ जाती हैं नहीं तो वहाँ पर तंग होती हैं तो अपनी अपने राइट्स का आप देखें आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं लीगली आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और आपने अपनी जिंदगी वहाँ पे कैसे बेहतर करनी है अगर आप यूके जा के जाके भी आप इस तरह के ए से गुजरे तो आपका क्या फ़ायदा यूके जाने का बहुत शुक्रिया जैन भाई आपने आज बहुत मुफीद मशवरे दिए हमारी ऑडियंस को और साथ ही साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा जो पेरेंटिंग के हवाले से आपने बड़े मुफीद मशवरा दिया कि कम से कम अपने बच्चों पे इम्पोज ना करें चीज़ बच्चों को एक क्रिएटिव साइड पे लेके जाएं ना कि किसी जो ज़ोर ज़बरदस्ती की तरफ और जैसे आपने बताया कि टीचर्स का वहाँ पर एक अहदा है एक ट्रेनिंग होती है स्पेशली यहाँ पर तो शायद वैसे ही हायर कर लिया जाता है डिग्रीज वग़ैरह देखते आप इमेजन की इवन अर्ली एज जो है जो बच्चों की जो जीरो टू फाइव ईयर हो यहाँ पर तो नॉर्मली सिर्फ एक केयर आयर लोग रख लेते हैं कोई सफाई करने वाली खातून रख लेते हैं जो बच्चों की सिर्फ लुक आफ्टर करती है uh -huh. हमारे पास जो बच्चों की तीन महीने चार महीने के बच्चों की भी जो लुक आफ्टर करते हैं ये एक साल दो साल के बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं उनके लिए भी uh -huh. क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उनकी क्वालिफिकेशन एक साल की कम से कम ट्रेनिंग है ताकि वो बच्चों को इफेक्टिवली uh -huh. प्लानिंग करके एक्टिविटीज करवा सके बिल्कुल और ऐसे ही जो पेरेंट्स कहते हैं कि डंडे के ज़ोर पे मैं अपने बच्चे को ठीक कर लूँगी तो ये बिल्कुल ही जो है ना रेड फ्लैग है वो मदर समझ लें और जैसे आपने कहा कि एक वालदा जो है ना वो पूरी नेशन की परवरिश करती हैं और इसी के साथ साथ जो बाहर मुल्कों में अप्लाई करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं उनके एक्सपोजर के बारे में तो जैन भाई ने बता दिया और उनकी गलतियों के बारे में भी जैन भाई ने बता दिया तो इसी के साथ इजाज़त जाऊँगा इन शाला मिलता है नेक्स्ट इंटरव्यू में तब तक के लिए अला हाफ